वेलकम दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप देखने वाले हो तीन काफी शानदार हुडीज को, जिनमें से जो तीसरा हुडी है वो यहाँ पे काफी ज्यादा ऑसम होने वाला है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए देख लेते हैं हमारे पहले हुडी को, जो आता है हाईलैंडर की तरफ से। इसका जो कलर है ये हमको यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का देखने को मिल जाता है, और इसकी जो क्वालिटी है वो यहाँ पे हमको काफी अच्छा देखने को मिलता है। और हम इस हुडी की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो ये वाली हुडी को बनाने के लिए यहाँ पे कॉटन ब्लेंड जैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जो अपने हमें काफी अच्छा एक मटेरियल माना जाता है। बेसिकली ये जो हुडी है ये एक पुलोवर हुडी है, तो इसके सामने की तरफ आपको दो पॉकेट देखने को मिल जाएंगे जो आपस में ऑब्वियसली इंटरकनेक्टेड होने वाले। ये वाले हुडी का जो हुड है वो यहाँ पे सिंगल लेयर का होने वाला है, लेकिन ओवरऑल जो हुडी का थिकनेस है वो यहाँ पे काफी ज्यादा होने वाला है। तो ये वाले हुडी के अंदर गर्माहट आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है। इस हुडी के हुड में हमको यहाँ पे स्काई ब्लू कलर का काफी प्रीमियम क्वालिटी का एक लेस देखने को मिल जाता है। ये वाले हुडी के हाथों के ऊपर और इसके लोअर पोर्शन पे हमको काफी अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे कफिंग देखने को मिल जाता है। और अब इस हुडी के अंदर की तरफ हाथ डाल के देखोगे तो वहाँ पे हमको वुलन टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। और अब ये वाले हुडी के अंदर जो स्टिचिंग है उसको देखो तो यहाँ पे हमको काफी अच्छे क्वालिटी का स्टिचिंग भी देखने को मिल जाता है इस वाले हुडी के अंदर, जो ये वाले हुडी को पहनने पे आपको काफी ज्यादा कम्फर्ट देने वाला है। ये वाले हुडी का जो ओवरऑल लुक है वो यहाँ पे काफी ज्यादा ऑसम होने वाला है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा ऑसम है। ये वाले हुडी को पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ वो आप यहाँ पे बिरोल के थ्रू देख सकते हो। अगर मैं इस हुडी की प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसके ऊपर प्रिंट तो किया गया था 1799 का, लेकिन डोंट वरी आपको इतना पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला हुडी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर करीब 699 का लिस्टेड है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हुडी को, जो आता है एलन जोन्स की तरफ से। इसकी जो कलर है वो यहाँ पे हमको ग्रीन देखने को मिल जाता है, और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। और अब ये वाले हुडी की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हो तो ये वाले हुडी को बनाने के लिए यहाँ पे कॉटन ब्लेंड का इस्तेमाल किया गया, जो अपने हमें काफी अच्छा एक मटेरियल माना जाता है क्योंकि ये वाला जो हुडी है वो यहाँ पे एक पुलोवर हुडी है, तो इसके अंदर आपको जो पॉकेट है वो यहाँ पे इंटरकनेक्टेड मिलने वाला है। और इसके अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको वुलन टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। ये वाला हुडी की जो हुड है वो यहाँ पे सिंगल लेयर का आता है, लेकिन डोंट वरी ओवरऑल हुडी की जो थिकनेस है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है। गर्माहट जो है वो इस हुडी में आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और इस हुडी के हाथों के साथ देखे तो वहाँ पे भी हमको कफिंग देखने को मिल जाता है, और इसके नीचे की तरफ हमको काफी अच्छा क्वालिटी का कफिंग देखने को मिल जाता है। ये वाले हुडी के जो लेसेस है वो यहाँ पे राउंड शेप में आते हैं और काफी प्रीमियम क्वालिटी के, और इनके जो टिप्स है उनको यहाँ पे सिल्वर कलर के मेटल से कवर किया गया है, जो इस हुडी को काफी अच्छा एक लुक भी प्रोवाइड कर रहा है। ओवरऑल इस हुडी के जो लुक है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी तो काफी अच्छा है। हाथी ये वाला हुडी पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ वो आप यहाँ पे बिरोल के थ्रू देख सकते हो। अगर हम इस हुडी की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये वाले हुडी के ऊपर करीब 1699 का प्रिंट किया गया है, लेकिन डोंट वरी आपको इतना पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला जो हुडी है वो करीब 699 का आपको सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर देखने को मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हुडी को, जो आता है रोस्टर की तरफ से। इसका जो कलर है वो यहाँ पे हमको ग्रे देखने को मिल जाता है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि ये वाला हुडी को बनाने के लिए यहाँ पे पॉलिएस्टर जैसे मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। तो इस हुडी के अंदर जो गर्माहट है वो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा मिलने वाला है। ये वाला हुडी का जो हुड है वो यहाँ पे दो लेयर का आता है, और इसकी जो ओवरऑल बॉडी है वो यहाँ पे आपको सिंगल लेयर का देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एक पुलोवर हुडी है, तो इसके सामने की तरफ जो पॉकेट है वो यहाँ पे दोनों इंटरकनेक्टेड देखने को मिलता है, और इसके नीचे की तरफ जो कफिंग है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। हाथों के ऊपर भी जो कफिंग है वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। ये वाला हुडी का कॉलर के ठीक नीचे हमको रोस्टर का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, और इसके ठीक नीचे की तरफ हमको रोस्टर का एक ब्रांडिंग देखने को मिलता है लेदर पैच के ऊपर। अगर हम ये वाले हुडी की प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमको 1299 का प्रिंट देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको इतना पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये वाला हुडी करीब 499 का सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्टेड है। और आपको इन तीनों हुडीज में से कोई भी हुडी पसंद आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इन तीनों हुडीज का लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अनबॉक्सिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अनबॉक्सिंग जो पिछले वाला वीडियो था उसको आप यहाँ पे देख सकते हो।